हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। आज की हमारी वीडियो होने वाली है, इस लुक को देख के आप पहचान गए होंगे और टाइटल को देख के भी आप जरूर समझ गए होंगे कि ये वीडियो नो मेकअप मेकअप लुक के बारे में होने वाली है। मींस कि मेकअप के साथ हम बिना मेकअप के वाले लुक कैसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मेकअप करके और हम ऐसा मतलब नेचुरल दिखाए कि हमने मेकअप नहीं किया है, लाइक अभी की तरह कि मैंने मतलब ज्यादा इसमें बिल्कुल सटल सा मेकअप किया है जो कि नो मेकअप मेकअप लुक है, विदाउट फाउंडेशन विदाउट कंसीलर इसको मैंने क्रिएट किया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आप भी इस लुक को क्रिएट कर पाओ। और ये बहुत ईजी सा है लुक और एवरीडे काइंड ऑफ लुक है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स और स्कूल गोइंग गर्ल्स भी इजिली इसको कर सकते हैं, ओनली लिपस्टिक का ऑप्शन हटा के। तो लिपस्टिक के लिए आप यूज कर सकते हो न्यूड शेड कोई सा भी, मैंने भी न्यूड शेड अप्लाई किया है इसमें, आपके पास जो भी न्यूड शेड है वो अप्लाई कर सकते हो आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप उन चीजों का जरूर ध्यान रखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी मेकअप करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वही तो आपको मतलब टिप्स और ट्रिक्स पता होनी चाहिए ना कि आप कोई भी मेकअप कर रहे हो तो ऐसा ही नहीं है कि आप अपना फेस वॉश भी ना करो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपना फेस वॉश कर लो अच्छे से, ताकि जो भी आपका मतलब डर्ट होता है आपके स्किन के ऊपर वो हट जाए और आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद आप कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, बिकॉज मैंने अभी सिर्फ फेस वॉश किया है, मैं बोल नहीं पा रही थी एक्चुअली। पहले आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल। आप चाहो तो उसकी जगह पर मींस की कोई सा भी आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, मींस की एलोवेरा जेल जो मार्केट में आते हैं वो वाला यूज कर सकते हो, या फिर आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है नेचुरल एलोवेरा जेल जो कि ये वाला है, और ऑलरेडी मैं इसको कट कर चुकी हूँ एक पीस में, और ये आपको मतलब ऐसे ऐसे इसमें से आएगा थोड़ा सा। तो इसको आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, और इसकी जगह आपको फिर प्राइमर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने अच्छे से फेस पे इसको अप्लाई कर लो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, और कोई भी उससे पहले आपको कुछ नहीं लगाना है, कोई भी क्रीम नहीं लगानी है। और बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, और नेचुरल आप यूज करो ना तो वो ज्यादा बेटर है। और या फिर मार्केट में आता है एक वाओ का 99% एलोवेरा जेल प्योर होता है जो, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है इसकी जगह पर आपके पास अगर नहीं है तो। वैसे तो मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे ना ये पेड़ मिल जाता है एलोवेरा जेल का, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। नो मेकअप मेकअप लुक के लिए आपकी स्किन को नेचुरली ही अच्छा दिखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम इसमें ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं यूज करते हैं। और आपकी स्किन का जो ये रूटीन होता है एवरीडे का, तो आप उसको जरूर फॉलो किया करो ताकि आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे और आपका जो लुक है एवरीडे का भी अच्छा है विदाउट मेकअप। आपको अप्लाई करनी है मॉइस्चराइजर क्रीम, उसके लिए आप कोई सी भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज कर सकते हो जो आपके पास हो। तो मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ निविया की मॉइस्चराइजर क्रीम। तो इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने फेस के ऊपर और अच्छे से अपने फेस में मसाज कर लूंगी इसी से ही। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होने वाला है, हमारे लिप्स को मॉइस्चराइजिंग करने वाला स्टेप होने वाला है। मींस कि आपको लिप्स को मॉइस्चराइज बिल्कुल करना चाहिए, और पहले हम कर ले तो उसके बाद हमें लिपस्टिक अप्लाई करनी होगी, तो हमारे तब तक लिप्स बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे। तो मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ यहाँ पे निविया की लिप बाम जो कि मेरी अभी टिल टाइम फेवरेट है, और मैं इसी को ही मैक्सिमम यूज करती हूँ, तो इसको अपने लिप्स में अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे बेबी क्रीम, और जो कि मैं यहाँ पे यूज करूंगी पॉन्ड्स की बेबी क्रीम, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं करने वाले, कोई भी कंसीलर यूज नहीं करने वाले, तो यार कुछ तो बनता था ना, मतलब डेली बेसिस में कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ना। डेली बेसिस के लिए इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है, बेबी क्रीम से ज्यादा बेस्ट। तो यहाँ पे मैं पॉन्ड्स की बेबी क्रीम लूंगी, अभी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लूंगी। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो में कोई भी टूल्स का यूज नहीं करने वाली, मीन्स टूल्स मैं कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं करूंगी, और ब्रशेस से भी कुछ अप्लाई नहीं करूंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको अपने फिंगर के से यूज मतलब अप्लाई करूंगी अपने, क्योंकि हमारी फिंगर भी बहुत अच्छे से काम कर देती है ना, जो कि ब्यूटी ब्लेंडर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसे अमाउंट में ले लेती हूँ और डॉट डॉट करके मैं इसको लगा लूंगी अपने फेस पे।
करना है अपने फेस को सेट, जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेबिलीन के कॉम्पैक्ट पाउडर से। और आप अपना, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको सेट करना जरूर बनता ही है, अगर ड्राई स्किन है तो एक बार को आप मतलब हल्का हल्का अपने टी जोन एरिया पे अच्छे से कॉम्पैक्ट से सेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी अपना मतलब आई शेडो। अगर आप डेली बेसिस पे आई शेडो अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो मतलब नहीं भी कर सकते हो, वैसे तो कोई करता नहीं है डेली बेसिस पे, लेकिन ये नो मेकअप मेकअप लुक होने वाला है तो आप चाहो तो न्यूड शेड कोई भी अप्लाई कर सकते हो। मैं इसमें यहाँ पे ले लूंगी एक न्यूड शेड जो कि बहुत मतलब ब्राउनिश टाइप का शेड है, ये वाला शेड मैं यहाँ पे पिक करूंगी और इसी के एप्लीकेटर से अप्लाई करूंगी, कोई अलग से ब्रशेस का कोई भी यूज नहीं करूंगी। तो इसको अपने जो है आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी, या फिर उंगली की हेल्प से कर लेते हैं ना, क्योंकि इससे तो बहुत अजीब से हो जाएगा ना, तो चलिए इसी से ही कर लेते हैं, कोई नहीं। मस्कारे के बिना ना कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं हो सकता है, भले ही वो नो मेकअप मेकअप लुक क्यों ना हो। तो यहाँ पे जरूर मैं अपना मस्कारा अप्लाई करूंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, मेरा टिल टाइम फेवरेट ही है ये। तो यहाँ पे मेबिलीन का लैश सेंसेशन मस्कारा अप्लाई करूंगी अपने दोनों आईज पर, अपने आई लैशेस पे। ये नो मेकअप मेकअप लुक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे मार्स की न्यूड पेंसिल, क्योंकि काजल में यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ और आपके आईज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी, तो यहाँ पे अपनी न्यूड पेंसिल अप्लाई करूंगी। चलो आईज का मेकअप तो कंप्लीट हो गया है, कि हमें आईज पे सिर्फ इतना ही मेकअप करना था, लेकिन आईब्रो को फिल करना तो हमें फर्स्ट में ही था ना, तो वो तो मैं भूल गई, कोई बात नहीं बाद में कर लेते हैं यार, अपना ही है राज। पर कोई भी मैं ब्लश अप्लाई नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो हाइलाइटर अप्लाई करने की ही। तो यहाँ पर मैं इसी पैलेट में से सेम जो मतलब हाइलाइटर के लिए ये व्हाइटिश जो शेड है ये अप्लाई करूंगी, और प्लस गोल्डन मिक्स करके और अपने फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी। बाद में यहाँ पे ले रही हूँ लिपस्टिक के लिए स्ट्रे करके की लिपस्टिक, जो कि न्यूड शेड में है, स्पूनिंग गारंटीड, इसका शेड नंबर है, और इसी को ही मैं अप्लाई करूंगी अपने लिप्स के ऊपर, ताकि इस लुक के साथ अच्छे से जाए लिपस्टिक का कलर जो है, जो शेड है इसका, और अच्छे से इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूंगी। और मैं बहुत हल्की हल्की क्वांटिटी में अप्लाई करूंगी डॉट डॉट करके, उसके बाद में फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूंगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद देन दिस इज द फाइनल लुक गाइज, आप देख सकते हो मतलब आपने मेकअप किया है बट नहीं लगेगा कि आपने इतना मेकअप किया है, बहुत नॉर्मल सा लुक था। और इसमें मैंने ज्यादा प्रोडक्ट्स का भी यूज नहीं किया है और ना ही मैंने कोई कंसीलर अप्लाई किया है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल भी ज्यादा नहीं थे। अगर आपके डार्क सर्कल ज्यादा है तो उसी बीबी क्रीम को आप अपने अंडर आईज के नीचे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना स्टाइल विद साहिबा, और पास ही में बेल आइकन होगा उसको तो जरूर हिट कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं मींस जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और हाँ सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।